हाय गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन ऑफ ऊबर। ठीक है, ये हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन है ऑफ ऊबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली ऊबर करता क्या है? ऊबर एक ऐप है जिसके थ्रू कस्टमर जो है अपनी कैब बुक कर सकता है और कैब बुक करके उसमें राइड कर सकता है और डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो इसमें ना दो एंटिटीज़ हैं, एक ड्राइवर साइड है, एक कस्टमर साइड है। ड्राइवर साइड क्या है कि जिसके पास रिक्वेस्ट जा रही है कि ये कस्टमर है, ये जाना चाहता है एक लोकेशन से दूसरी जगह, उसकी रिक्वेस्ट ड्राइवर के पास जा रही है। और एक कस्टमर है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं। तो इसमें ना मतलब रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि मतलब इन द सेंस की रिक्वायरमेंट, इन द सेंस की एक्चुअली में ऐप करेगी क्या। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका क्या क्या काम होगा? एक तो काम होगा कि ड्राइवर की लोकेशन हमेशा, मतलब अब एक चीज़ देखो आप कि जब भी यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं सपोज करूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक ए लोकेशन है, एक यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, ए लोकेशन है, ये मेरा पूरा वर्ल्ड है, या ये ऑल इंडिया का मैप है मेरा। ठीक है, ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे इसके नियर बाय ड्राइवर्स चाहिए, राइट? अगर मेरे को ये ड्राइवर यहाँ पे खड़ा है तो उसका ड्राइवर की को लेके क्या करूँगा मैं? कुछ भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इतना दूर है, वो आ ही नहीं पाएगा मेरे पास। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ड्राइवर जो है ना, ड्राइवर की लोकेशन जो है वो अप टू डेट रहनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ड्राइवर की लोकेशन जो है ना वो अपडेट रहेगी। तो पहला काम क्या होगा, ड्राइवर लोकेशन अपडेट्स। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा कि पैसेंजर जो है वो नियर बाय ड्राइवर्स को देख सकता है। पैसेंजर कैन सी, या एक काम करता हूँ मैं, इसको लेमन लैंग्वेज में लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखता, एक काम करता हूँ, इसको लिखना शुरू करता हूँ ऐसे कि पैसेंजर कैन रिक्वेस्ट कैब। ठीक है, ड्राइवर कैन एक्सेप्ट कैब। ठीक है, नियर बाय ड्राइवर्स गेट नोटिफाइड। ठीक है, अब नियर बाय ड्राइवर्स कैसे होंगे? फॉर विच ड्राइवर लोकेशन नीड्स टू बी अपडेटेड रेगुलरली, लोकेशन नीड्स टू बी अपडेटेड रेगुलरली। ठीक है, ड्राइवर कैन एक्सेप्ट द राइड रिक्वेस्ट। मैं इसमें सब कुछ बताऊंगा कि एपीएस वगैरह के थोड़ा सा बताऊंगा कि एपीआई क्या क्या होंगी। ठीक है, अपॉन कंप्लीशन ड्राइवर कैन कंप्लीट द ट्रिप। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कि ओवरऑल की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, और एक होती है नो एन एफ आर, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ मैं, चलो। ठीक है, एक होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है, स्केलेबल हो, और फॉल्ट टॉलरेंस स्केलेबल हो। ठीक है, अभी यही दो देखते हैं, बाकी देखते हैं। अब थोड़ा सा ना कैपेसिटी का अंदाजा लगाते हैं कि कैपेसिटी क्या क्या, मतलब कैपेसिटी इन द सेंस कि कितना ट्रैफिक यूजुअली रहने वाला है। ठीक है, कैपेसिटी, मैं ज्यूम करता हूं कि मेरे पास ना 300 मिलियन यूजर हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या ज्यूम करता हूं मैं कि मेरे पास 1 मिलियन ड्राइवर हैं। ठीक है, और
डेली की 1 मिलियन राइड हो रही है मेरी, ठीक है, और डेली के मेरे 500 500 के एक्टिव यूजर हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो आप, अब आते हैं इस पे कि मेरा 300 मिलियन यूज़र है। अब मैं यूज़र का ना डाटाबेस, पहले मैं देखता हूँ कि मेरे को क्या कहते हैं, कितना कितना डाटा चाहिएगा, मतलब कितना डाटा बनेगा मेरा टोटल। पहले मेरे पास यूज़र का DB है कोई, ठीक है, उसमें मैं क्या क्या शो कर रहा हूँ, यूज़र ID, करेक्ट, यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन, ठीक है। मैं लेके चल रहा हूँ कि ये मेरा फ़ोन नंबर जो है वो क्या कहते हैं 10 डिजिट का होगा, तो चलिए कैर में ले लेते हैं इसको, 10 10 कैर होगा तो अप्रोक्सीमेटली 10 बाइट का ही। ईमेल भी ले लेते हैं 10 बाइट, ये भी 10 बाइट ले लेता हूँ और ये भी 10 बाइट ले लेता हूँ, ठीक है। तो टोटल 40 बाइट है मेरा, और टोटल यूजर्स कितने हैं मेरे पास, 300 मिलियन, ठीक है, 300 × 40 क्या आया मेरा, 12,000 मिलियन, करेक्ट, यानी कि 12,000 मिलियन बाइट्स, करेक्ट। अब इसको करता हूँ मैं डिवाइड, 12,000 को ये हो गया मेरा 12,000 मिलियन, मिलियन मतलब कि 1 2 3 4 5 6 KB, ठीक है, ये 3 0 डाली मैंने, ये हो गया मेरा MB और ये हो गया मेरा GB, तकरीबन 12 GB का डाटा है मेरा, विच इज़ नथिंग फॉर द मॉडर्न हार्डवेयर, ठीक है। ऐसे सिमिलरली 1 मिलियन मैं ड्राइवर का ले लूँ तो डिवाइड बाय 300 कर लेता हूँ यार इसको, क्या इतना करूँगा मैं, डिवाइड बाय 300 कर लेता हूँ, तो 1200 12,000 MB है, 40 MB अराउंड डाटा मेरे ड्राइवर का है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 40 MB ड्राइवर का डाटा मेरा, यहीं लिख लेता हूँ, 40 MB है, ठीक है, 12 GB है, ठीक है। अब राइट्स के लिए क्या, अगर राइट आईडी चाहिए मेरे को, वो 8 बाइट के लिए लेता हूँ, राइट आईडी है, ठीक है, राइट के लिए राइट आईडी चाहिए, ठीक है। और बाकी तो यूज़र नेम और यूज़र आईडी और ड्राइवर आईडी से हो जाएगा काम, तो ये भी बहुत छोटा डाटा है, ठीक है। तो ठीक है, डाटा तकरीबन तकरीबन ये बनता है कि इतना इतना चाहिएगा हमको, ठीक। अब आ जाते हैं हम कि होगा कैसे, काम कैसे चलेगा, देखो मैं बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। क्या होएगा ना, हमारे पास ये तो आप मानते हो कि दो चीज़ें हैं, हमारे पास दो यूजर्स हैं, ये है मेरा, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा है ड्राइवर, ये मैं मान चलता हूँ ये मेरा है यूज़र, ठीक। ये मेरा है यूज़र और ये ड्राइवर है और ये मेरा है यूजर, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो हैं एक ये मेरा API गेटवे जिस पे सारी रिक्वेस्ट जा रही हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जो यूज़र है मेरा और ये ड्राइवर है, ठीक है, और ये जो है रिक्वेस्ट करेगा, और मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना रहा हूँ, मतलब कि माइक्रो सर्विसेज बना रहा हूँ, ठीक है, जिन पे जिनके पास रिक्वेस्ट जाएगी बेस्ड ऑन कि क्या रिक्वेस्ट यूज़र ने किया और क्या ड्राइवर ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कि वो जब लोकेशन सर्विस के पास आएगी तो लोकेशन सर्विस का ओवरऑल मतलब डिज़ाइन, लोकेशन सर्विस का कैसा चलता है थोड़ा बहुत वो सब बताऊंगा मैं आपको। ये मेरा API गेटवे,
ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है किसके पास, यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है किसके पास, ठीक। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब सपोज करो यूज़र था, यूज़र ने जो है रिक्वेस्ट करी, सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो एक चीज़ आप देख लो कि मेरे पास होना चाहिए कुछ जिसमें मैं यूज़र सर्विस, जिसमें मैं यूज़र का सब कुछ सर्व करूँगा। तो ये मेरा यूज़र सर्विस, ठीक। ऐसे सिमिलरली है मेरा कोई ये ड्राइवर सर्विस, ठीक है। और ये मैं बनाता हूँ एरो, सिमिलरली ठीक है। अब ये मेरा होगा यूज़र सर्विस, ये ड्राइवर सर्विस। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आ रहा है कि यूज़र का, अभी यहाँ पे डाटाबेस जोड़ देता हूँ, यहाँ पे ये जो है ये रख रहा है मेरा SQL है, ठीक है। और ये रख रहा है मेरा सारा कुछ स्टोरेज यूज़र के बारे में, कि यूज़र ID, यूज़र नेम, ये सब चीज़ें ये स्टोर रख रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है कि सपोज करो यूज़र ने जो है रिक्वेस्ट करी कि मेरे को कैब चाहिए, तो क्या होगा, कैसे चलेगी रिक्वेस्ट। सबसे पहले तो एक चीज़ देखोगे यूज़र की लोकेशन चाहिए मेरे को, ठीक है। वो ऐप से यूज़र की लोकेशन आई यहाँ पर, यूज़र सर्विस के पास गई, इसने देखा कि हाँ भाई इसको कैब रिक्वेस्ट करा है विद लॉन्गिट्यूड ए और लैटिट्यूड ए, और नियर बाय ड्राइवर को नोटिफाई करो, तो कैसे जाएगी रिक्वेस्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक मैसेजिंग क्यू, ठीक है। ये मेरी मैसेजिंग क्यू, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसको सेलेक्ट, ठीक। ठीक है, अब मेरे पास क्या होना चाहिए, जब मेरे पास, अब एक चीज़ देखो, आपकी यूज़र ने तो रिक्वेस्ट कर दी कि सेंड मी द मीन्स रिक्वेस्ट कर दी कैब को। अब काम क्या है मेरे पास, कि मेरे को जो नियर बाय ड्राइवर्स हैं उनको नोटिफाई करना है। अब वो मैं कैसे करूँगा, वो एक मुद्दा है। सो हाउ दे विल बी नोटिफाइड, तो वो क्या होगा ना, जैसे इसको रिक्वेस्ट इसने भेजी कि कैब विद लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड, यहाँ पे आया मैसेज। अब मेरे पास क्या होगा, एक बुकिंग सर्विस होगी, ठीक है, बुकिंग सर्विस है मेरी, और ये कर रहा है ये ना इस काफ़का से ना पढ़ रहा है, चीज़ें पढ़ रहा है, ठीक है। ये जो है ये इससे ना पढ़ रहा है चीज़ें कि कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, कब आ रही है। जैसे इसने देखा ना कि ये रिक्वेस्ट आई है यहाँ से, इसलिए क्या करेगा, ये करेगा उस रिक्वेस्ट को उठा लेगा, ठीक है, और जाएगा किसके पास, ये जाएगा एक लोकेशन सर्विस के पास। क्यों जाएगा लोकेशन सर्विस के पास, वो इसलिए जाएगा क्योंकि इसको अभी यूज़र का तो पता चल गया कि यूज़र कहाँ पे खड़ा है लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड, बट इसको ये नहीं पता कि मेरे पास वो कहाँ है, ड्राइवर कौन कौन से हैं उस मतलब लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड के पास। तो जाएगा लोकेशन सर्विस के पास, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा ये जाके यहाँ से क्या करेगा, ये जाके लाएगा अपना यहाँ से, यहाँ से लाएगा ये उसकी लोकेशन, ठीक है, कि उसकी लोकेशन मतलब, लोकेशन मतलब ड्राइवर्स की लोकेशन, कि नियर बाय ड्राइवर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब ये लोकेशन सर्विस काम कैसे करती है, अब आप एक चीज़ देखना, जब ना ये लोकेशन सर्विस ना, इस मैं बताता हूँ इस लोकेशन सर्विस में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ, बैकग्राउंड बताता हूँ, क्या है। अब देखो लोकेशन सर्विस के पास क्या है ना, लोकेशन सर्विस के पास ना कुछ चीज़ें हैं,
ठीक है, वो क्या है कि उसके पास ड्राइवर की आईडी है। एक तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बट वैसे देख लेना, मतलब एक मैंने वीडियो बना रखी है कि डिज़ाइन लोकेशन सर्विस, उसमें लोकेशन सर्विस कैसे काम करती है, बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जनरली क्या, मतलब ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कैसे चल रहा काम। ठीक है, लोकेशन सर्विस कैसे करती है ना, कि मान लो मैंने उसको ना, लोकेशन सर्विस का मेन मेन काम मुद्दा ये है कि उसको मैंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिया। ठीक है, अब पहले मैंने क्या किया, मैंने वर्ल्ड को ना पूरे ग्रिड में डिवाइड कर लिया, पूरा वर्ल्ड है मैंने उसको, मैंने ऐसे ग्रिड्स में डिवाइड कर लिए, छोटे छोटे ग्रिड्स में डिवाइड कर लिए। कैसे करा है, क्या करा है, कि उस कैसे स्टोर किया है, वो सब मैंने उस डिज़ाइन लोकेशन सर्विस में बता रखा कर लिया। ठीक है, मेरे को पता है यूज़र यहाँ पे खड़ा है मेरा, मैं क्या करूँगा, मैं इस ग्रिड का एड्रेस निकालूंगा। ठीक है, इस ग्रिड का एड्रेस निकालूंगा। ओके, मेरे को एक ग्रिड मिल गया, ग्रिड नंबर 5 था सपोज, ये मेरे को पता चला ग्रिड नंबर 5 में यूज़र खड़ा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं टेबल के पास जाऊंगा और उस ग्रिड के चारों तरफ 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे लगा लो 11, 12, 13, इन ग्रिड्स का एड्रेस मेरे पास आ जाता है लोकेशन सर्विस के थ्रू। और मैं क्या करूँगा, इन ग्रिड्स में ना निकालूंगा कि कौन कौन से ड्राइवर हैं। ठीक है, वो मेरे पास टेबल में स्टोर होंगे, ये कौन कौन से ड्राइवर हैं। अब जो जो से ड्राइवर होंगे ना, उनका मेरे पास लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड भी स्टोर होगा, ये कहाँ पे हैं वो। मैं क्या करूँगा, इससे डिस्टेंस निकालूंगा उनका, सॉर्ट करूँगा और रिटर्न कर दूंगा, कि टॉप 3 ड्राइवर उठाऊंगा और रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास लोकेशन सर्विस से ग्रिड आ गए, बुकिंग सर्विस क्या करेगी, ग्रिड आने के बाद इसके पास वो पड़ा है सब कुछ कि इस ग्रिड में ये ड्राइवर है। ठीक है, तो ये उठाएगा और ये रिटर्न कर देगा, या आप ये लगा लो कि एक तरह से नोटिफाई करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा ड्राइवर्स को कि हाँ भाई तुम लोगों के लिए रिक्वेस्ट करिए राइड। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, इसमें एक चीज़ मुद्दे की जाने वाली ये है कि अब ड्राइवर तो मूव कर रहा है, हर समय मूव कर रहा है, तो लोकेशन तो पुरानी उसके पास है। अगर मान लो कि एक ड्राइवर था, वो यहाँ खड़ा था, वो यहाँ पे खड़ा था पहले, जब मैंने राइड रिक्वेस्ट करी तो मेरे पास टेबल में ये था इसकी लोकेशन यहाँ है, बट जब मैंने रिक्वेस्ट करी तो वो यहाँ पे था, और ऑलरेडी यहाँ पे कोई और ड्राइवर्स भी थे, तो इसकी तो मेरे पास स्टिल इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे खड़ा है ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को ड्राइवर की लोकेशन ना हर समय अपडेट करती रहनी पड़ेगी। तो वो अपडेट कैसे करेंगे, अब अगर मैं डायरेक्टली जा के अपने क्या कहते हैं हैश, मतलब उसको जो मेरी लोकेशन सर्विस है उसको हिट कर करके हर 3 सेकंड में, अगर मेरे पास कितने 1 मिलियन ड्राइवर्स हैं और वो मूव कर रहे हैं और मैं हर समय मतलब राइड कर रहा हूँ लोकेशन, तो वो बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं एक ना हैश टेबल बना लूँगा। ठीक है, एक हैश टेबल बना लेंगे। हैश टेबल में क्या होगा, हैश टेबल में 5 कॉलम होंगे। ठीक है, एक तो होगा ड्राइवर आईडी, ठीक है, ओल्ड लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड, ठीक है, और न्यू लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड। ठीक है, और मैं हमेशा जो है इस टेबल को हिट करूंगा, इस टेबल को अपडेट करूंगा और टाइम टू टाइम बैकग्राउंड में सिंक करता रहूंगा अपनी लोकेशन सर्विस के साथ, जो मेरी जिसके पास मेरा एक्चुअली में मतलब परसिस्टेंट डाटा है। ठीक है, इसमें परसिस्टेंट डाटा है, इसमें अपडेट करता रहूंगा। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे हैश टेबल से काम चला रहा हूँ और ये इसे फाइंड कर लिया और लोकेशन अपडेट कर रहा हूँ इसकी हर 3 सेकंड में, तो यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, रुक जाओ। लोकेशन अपडेट हो कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है, ये कर रहा है ब्रॉडकास्ट टू ड्राइवर। ठीक है, अब इसमें ना एक और चीज़ होती है बुकिंग सर्विस के साथ साथ ना, आप ना यहाँ पे ना कुछ वो लगा सकते हो, जैसे कि जब मैंने आपको बताया कि वो सॉर्ट करके भेज रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप ना वो कर लो रैंकिंग, ड्राइवर की रैंकिंग स्टोर करो। ठीक है, और रैंकिंग के थ्रू मतलब आप सॉर्ट कर लो डिस्टेंस और सेकंड पार्ट रैंकिंग, उस हिसाब से आप रिक्वेस्ट जो है भेजो। ठीक है, ये ड्राइवर सर्विस जो है, ड्राइवर सर्विस वही कर रहा है कि ड्राइवर के कितनी ट्रिप्स हैं, क्या पेमेंट्स एंड ऑल दैट। ठीक है, यूज़र सर्विस में यही कि उसने किसकी पास्ट ट्रिप्स क्या रही हैं, उसका यूज़र नेम क्या है, ये सब चीज़ें यूज़र सर्विस हैंडल कर रहा है, मतलब बाकी वो तो कर ही रहा, रिक्वेस्ट तो कर रहा है उसके अलावा। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी इसका मैं डाटाबेस बना देता हूँ, ये भी एसक्यूएल ही रहेगा। ठीक है, जो ड्राइवर का है सिमिलरली ये भी एसक्यूएल ही रहेगा लोकेशन सर्विस के लिए भी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ड्राइवर सर्विस होगी आपकी, बुकिंग सर्विस, लोकेशन सर्विस, सब हो गया है ना। अब क्या है कि ड्राइवर ने रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली,
किसी ड्राइवर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, ठीक है, तो जब रिक्वेस्ट ने एक्सेप्ट करी ना तो वो जाएगी यहाँ पे, सपोज करो इस जाती है यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, ठीक है। अब इसे मैसेजिंग क्यू के पास आया, मैसेजिंग क्यू का पढ़ रहा था ये बुकिंग सर्विस, इसने क्या करा, इसने क्या करा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई थी ना, जो उनसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई थी, एक मिनट इसने नहीं करा, ये तो क्या कर रहा था, बुकिंग सर्विस तो उठा रहा था यहाँ से पिक्स रिक्वेस्ट ऑफ यूज़र, ठीक है, क्या करा यहाँ पे इसने जो है नोटिफाई करा बाय यूज़र ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, और बाकी सब कर लेंगे हम लोग, कि टाइम आउट लगा देंगे अगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी, इसके पास पर्टिकुलर टाइम तक नहीं आया कुछ भी, तो टाइम आउट कर देंगे कि नहीं भाई नो कैब्स फाउंड और रीट्राइंग और वट एवर ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास इसके पास नोटिफाई चले जाएगा यहाँ से कि एक्सेप्ट हो गई है या नहीं हुई है। उसके बाद अभी देखो, ये तो थोड़ा बहुत हमारा आर्किटेक्चर तैयार हो गया, अब ये मेरी माइक्रो सर्विसेज थी सारी की सारी, चारों चारों, है ना। अगर मैंने इसे पेमेंट कहीं लगाया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पेमेंट जो है वो कैश में हुई है, अगर पेमेंट किया है तो पेमेंट सर्विस भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और वो भी जो है बीच में काम करेगा। अब इसके बाद क्या है कि ये चीज़ें जो है ना, मैं बताता हूँ, ये जो है ये इसका जो है ये ओके एक मिनट, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जस्ट कि ये जो है ये काफ्का है मेरा, ठीक है, ये काफ्का है मेरा और ये मेरा ELK में लॉग्स जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लगा लो कि ये कुछ भी यार ELK जहाँ पे हम लॉग्स देख रहे हैं आपने, ठीक है। इसके अलावा आप लोग 50 चीज़ें लगा सकते हो, जू कीपर भी होगा इसमें, है ना, और बाकी चीज़ें भी होंगी। तो बट ओवरऑल जो है ना, अगर आप देखोगे तो आर्किटेक्चर कुछ ऐसा सा बनेगा मेरे हिसाब से, मे बी कि कोई और किसी और तरीके से डिज़ाइन करे। तो ये जो है ये ऊबर का आर्किटेक्चर था। अब हम आते हैं APIs पे, कि APIs जो हैं वो कौन कौन सी होंगी, ठीक है, बातें हैं APIs पे। मेरे हिसाब से API जो है कौन कौन सी होंगी, ठीक है, कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, बाकी आप समझ जाओगे, जो भी बनाना हो बना सकते हो आप लोग, बट कुछ मैं एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे API का, वो लेते हैं हम लोग इन लोग जो। ठीक है, ठीक है, पहले यूजर साइड की API देखते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, यूजर डिटेल की हो सकती है API, क्या होगी वो, स्लैश यूजर डिटेल्स, ठीक है, उसके बाद यूजर ID, ठीक है, रिक्वेस्ट ID की हो सकती है, ठीक है, स्लैश यूज़र स्लैश, अच्छा ये देख लेना आप लोग कि किस किस टाइप की है, मैं बताते जाता हूँ, चलो ये गेट टाइप की है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये पोस्ट टाइप की है, ठीक है, यूज़र स्लैश, उसके बाद आएगी इसकी राइड स्लैश स्लैश छोड़ो यूज़र ID, ठीक है, इक्वल टू एंड क्या आएगा, लॉन्गिट्यूड इक्वल टू एंड लैटिट्यूड इक्वल टू, ठीक है, ट्रिप्स, मतलब ऐसे गेट ट्रिप्स, तो ये हो सकती है इसके आराम से गेट यूजर ID स्लैश
डिटेल इक्वल टू, यार ये लगा लो ट्रिप लगा लो यार, फ्लैश ट्रिप, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ड्राइवर साइड की भी यही होंगी, ठीक है। इसमें भी यही होगी, जस्ट कि आपको यूजर डिटेल की जगह ड्राइवर करना है। और इसमें क्या होगा, सपोज कि लोकेशन अपडेट की है, हर समय लोकेशन अपडेट करनी है ना उसको, तो पोस्ट स्लैश ड्राइवर स्लैश लोकेशन स्लैश वर आईडी इक्वल टू, ठीक है, एंड लॉन्ग इक्वल टू एंड लैट इक्वल टू, ठीक है। और ये देखना कि ना जब ना ये लोकेशन अपडेट कर रहा होगा ना, ये हर 3 सेकंड में कर रहा है, मतलब जो भी हर 10 सेकंड में कर रहा है, जो भी करना चाहता है, तो ये जनरली ना मतलब कनेक्शन ना ओपन रखेगा, वेब सॉकेट कनेक्शन रखेगा, क्योंकि अदरवाइज HTTP कनेक्शन हर बार बनाना पड़ेगा, हैंडशेक करना पड़ेगा, तो डिफिकल्ट रहता है। तो ये है। और आपको जब लोकेशन इसकी शेयर करनी है ना, लाइव लोकेशन शेयर करनी है, तो लोकेशन शेयर जैसे आपने मतलब ड्राइवर जब एक्सेप्ट करी, तो उसकी लोकेशन दिखाता है कि कहाँ पहुँच गया, ठीक है। वो दिखाता है कि कहाँ कहाँ लोकेशन पहुँचा है, तो वो ब्रॉडकास्ट मतलब एक तरह से हम क्या करेंगे, पुश मॉडल करेंगे कि इस वाले ड्राइवर का की जो लोकेशन है वो किसको पुश होनी चाहिए। वो बुकिंग सर्विस मैनेज कर सकता है कि इसको ब्रॉडकास्ट कर दे रहा हो यूज़र को इसकी लोकेशन। और एक ये भी हो सकता है कि जब हम कुछ ना करें, जब तक यूज़र रिफ्रेश नहीं कर रहा ना उसको, तब तक उसकी मतलब लोकेशन रिफ्रेश ही ना हो, तो इसलिए यूज़र रिफ्रेश करेगा जब, तो ड्राइवर की लोकेशन करंट वाली अपडेट हो जाएगी DB से उठा के, DB से उठा के या हैश टेबल से उठा के, वो बेटर रहेगा। अदरवाइज पुश में तो अनयूजुअल ट्रैफिक बहुत सारा रहेगा, आई थिंक सो। तो ये था ऊबर सिस्टम डिज़ाइन मेरे हिसाब से, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।